please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात के महसाणा में एक लड़के पर दो लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावरों के पहले बार से ही लड़का जमीन पर गिर पड़ा और उसके बाद भी दोनों हमलावर रुके नहीं और धारदार हथियार से लड़के पर लगातार वार करते रहे। सड़क के बीचों बीच हुए इस हमले में कोई भी लड़के को बचाने के लिए नहीं आया और हमले के बाद दोनों आरोपी आराम से वहां से भाग निकले। घायल लड़के को बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी आखिरकार मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पेट्रोलिंग कर रही सेना की एक टीम पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। यह हमला गृहमंत्री राजनाथ सिंह के कुपवाड़ा पहुंचने से ठीक पहले किया गया। अभी भी 3 से 4 आतंकियों के इस पूरे इलाके में छिपे होने की आशंका है और इसीलिए सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिका में टेक्सास के एक इलाके में क्रिकेट और हॉकी की गेंद जितने बड़े ओले बरसने लगे। तूफान के साथ हुई ओलों की इस बारिश ने एक ही रात में टेक्सास में भारी तबाही मचा दी, जिसमें क्रिकेट और हॉकी की बॉल जितने बड़े बड़े ओले बरसे। रात के वक्त हुई ओलों की इस बारिश का लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें जोरदार आवाज के साथ बड़े बड़े ओले गाड़ियों और मकानों पर गिरते दिखाई दिए। तूफान के साथ आई ओलों की बारिश आसमान से बरस रहे पत्थरों जैसी थी। केवल एक रात हुई ओलों की बारिश ने करीब 20,000 इमारतों को नुकसान पहुंचाया, जबकि 25,000 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में मंच पर बैठे गायक पर कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी का मास्क पहनकर नोट उड़ाने लगे। दावा किया जा रहा है कि समाज सेवा के लिए फंड जुटाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी का मास्क पहनकर पहुंच गए और मंच पर बैठकर हनुमान चालीसा गा रहे गायक पर नोटों की बरसात करनी शुरू कर दी। इस दौरान गायक लगातार हनुमान चालीसा गाता रहा और मंच के आगे खड़े होकर दो लोग उस पर नोटों की बारिश करते रहे। एक बार हाथ में रखी नोटों की गड्डी के खत्म हो जाने के बाद नोट उड़ा रहे लड़के ने अपनी जेब से कुछ और नोटों की गड्डियां निकाली और गायक पर उड़ाने लगा। कई घंटे तक चले इस कार्यक्रम में लोग एक एक कर आते गए और गायक पर नोटों की बरसात करते रहे, जिससे मंच पर नोटों का ढेर लग गया। कार्यक्रम के बाद गायक ने दावा किया कि इकट्ठा हुए पैसे का इस्तेमाल चैरिटी के लिए किया जाएगा। सर, ये पैसे जो है वो चैरिटी के लिए रहते हैं, ये कोई हम एक भी रुपए इसमें से लेके नहीं जाता। इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी वहां पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया और इसकी वजह से सुर्खियों में। सुरेंद्र सिंह के मुताबिक 2019 के आम चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले सभी दल एक तरफ होंगे, जबकि हिंदुत्व के समर्थक लोग एक तरफ होंगे। सुरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के समर्थक दलों का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, जबकि आम चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये सबको पता है। मुस्लिम परस्त, विदेश परस्त, एंटी नेशनल मूवमेंट में शामिल होने वाले लोगों का जो सहयोगी दल है, सहयोगी स्वभाव है, वो सब जो है राहुल जी के नेतृत्व में और मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में एक स्टेज पर होंगे और राष्ट्रपक्ष सब एक स्टेज पर होंगे। परिणाम सामने होगा, उसमें सोचने की बात नहीं है। बिहार के गोपालगंज में गर्भवती महिला की बच्चे को जन्म देने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद महिला के मौत के बाद अस्पताल के कर्मचारी वहां से फरार हो गए, जिससे परिजनों में गुस्सा था और यह गुस्सा भड़क उठा, उन्होंने जमकर हंगामा किया। यूक्रेन के एक चिड़ियाघर के कर्मचारी ने शेरनी पर हमला करने वाले एक शेर को चप्पल मारकर भगा दिया। चिड़ियाघर में आए एक दर्शक ने चिड़ियाघर के कर्मचारी की बहादुरी को कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया। ये घटना तब हुई जब शेरनियों के एक झुंड पर एक शेर ने हमला कर दिया। उस वक्त चिड़ियाघर का डायरेक्टर भी वहां मौजूद था, जिसने अपनी चप्पल उतारकर शेर पर दे मारी। उसे ऐसा करते देखकर शेर डर गया और पीछे हट गया। इसके बाद चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने शेर को डांट लगाई, जिसके बाद वो वहां से भाग गया। उसने एक और शेर के साथ भी यही सलूक किया। देखते ही देखते एक दूसरे से लड़ने को तैयार शेरों का पूरा झुंड वहां से हट गया। भारतीय सेना को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई डीएसी यानी डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए 12 हाई पावर रडार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इन रडार के इस्तेमाल से वायुसेना की मारक और बचाव क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इन रडार की खरीद
बाय इंडियन योजना के तहत घरेलू कंपनियों से होगी और इनका डिजाइन और उत्पादन देश में ही किया जाएगा। साथ ही कोस्ट गार्ड और सेना के लिए कम पानी और दलदल में चलने वाली विशेष नौकाओं को खरीदने पर मोहर लगा दी गई।